जिला महिला चिकित्सालय में शनिवार को नर्सेज डे की पूर्व संध्या पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म दिवस नर्सेज डे के रूप में बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। उनके जन्मदिन उपलक्ष पर जिला महिला चिकित्सालय की नर्सों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें केक काटकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म दिवस को बड़े ही हर्ष के साथ मनाया गया। नर्सों ने फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनके बताए नर्सिंग सूत्रों का अनुसरण करने पर जोर दिया। इस मौके पर जिला महिला चिकित्सालय की डॉक्टर मंजरी टंडन, हॉस्पिटल क्वालिटी मैनेजर डॉक्टर कमलेश, हेल्प डेस्क मैनेजर अमरनाथ जायसवाल, मेटरनेंट रीता श्यामा कुशवाहा, स्टाफ नर्स सी के वर्मा, रेणु स्नेहलता, दान आभा यादव, कौशल्या गुप्ता, विनीता राय, सरोज डूडी, पूजा समेत अनेक स्टाफ नर्स उपस्थित रहें। इस संबंध में गोरखपुरी संवाददाता से बात करते हुए जिला महिला चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा। और परेशान है, खून से लथपथ है, तो उनके मन में एक दया जागी। अब तो उन्होंने वहीं से नर्सिंग केयर, मतलब मरीजों की नर्सिंग केयर शुरू। आज के दिन का याद करें तो हम सबसे यही कहना है आप लोगों से कि हम सब भी उन्हीं के कदमों पे, लक्ष्य कदमों पे हम लोग चले। उनकी कहराने बुलाने से पहले हम उनके पास पहुंच जाए और प्यार से उनकी सेवा करें कि वो जो है हमसे खुश हो जाए। तो इसलिए हम सब इसमें इकट्ठा हुए हैं नर्सेस डे मनाने के लिए। और बाकी अगर कोई बोलना कुछ मांगता है तो इस नाइटिंगेल के बारे में आप लोग जानते हैं? जानते हो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? इन्होंने हमारी नर्सिंग केयर शुरू की, नर्सिंग स्थापना की थी हम लोगों के जनता का। कुछ नहीं मालूम है, 100 बेड वालों को कुछ मालूम। ये 12 मई को इन लोग नर्सेस डे होता है, जो कि जिस दिन फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्मदिन है। और उस दिन जो है उनको उन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड में बहुत ही अच्छा काम किया था नर्सिंग का, जिसमें कि उनको प्राइज दिया, मतलब इनाम दिया गया था। उन्हीं से नर्सेस के जॉब की रिकग्निशन हुई थी उनसे। बहुत ही उस दिन को ये लोग मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में नर्सेस डे के नाम से। तो ये यहाँ पे ये बहुत बढ़िया इंतजाम इन लोगों ने किया इस बार। वैसे तो हर साल ही मनाया जाता है हर हॉस्पिटल्स में, और यहाँ पे इस बार मनाया जा रहा है, जिसमें कि इन लोगों के द्वारा बहुत अच्छे से इंतजाम किया गया।